मेष राशि और लगन जुलाई 2021 आपके लिए कैसा रहेगा? तो आपके सामने कुंडली आपको नजर आ ही रही है। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन दोनों के हिसाब से ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि कोई और है तो आप इसे लगन के अनुसार फॉलो जरूर करें। वैसे मेरे अधिकतर जो वीडियो हैं वो आपको लगन के ऊपर ही आधारित मिलेंगे, तो आप लगन के अकॉर्डिंग जरूर मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो इस कुंडली में जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है ग्रहों की, ये जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग है और इसमें बीच में ग्रहों का चेंज भी होगा, तो जहाँ जहाँ चेंज होगा हम वहाँ वहाँ बात करेंगे। अभी फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहले आपके राशि या लगन स्थान से। तो लगन स्थान के स्वामी हैं मंगल और यहाँ पर देखिए आपको चंद्रमा दो जगह नज़र आ रहे होंगे, तो एक ये चंद्रमा राशि स्थान के हैं, दूसरे ये गोचर के चंद्रमा है। तो 1 जुलाई को हम कह सकते हैं चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब देखिए शुरुआत जो कि हम मंगल से कर रहे हैं, मंगल का जो गोचर होगा, मंगल नीच की स्थितियों में रहेंगे 20 जुलाई तक। तो 20 जुलाई तक का इनका गोचर कर्क राशि में आपके 4th हाउस में रहेगा। दूसरा यहाँ पर 17 जुलाई तक इनकी जो युति है शुक्र के साथ रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं आपका जो फोकस रहेगा घर के कार्यों पर ज़्यादा रहेगा, आपको घर की अपने घर की चिंता बहुत ज़्यादा होगी। और घर में हालांकि मंगल नीच का है तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी वगैरह के लिए विवाद हो सकता है। दूसरा यहाँ शुक्र का साथ है, शुक्र के साथ होने से हम ये कह सकते हैं कि आपका अपने घर पर विशेषकर स्त्रियों से या आपकी वाइफ से भी विवाद हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में घर का कोई भी विवाद हो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। घर में किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या घर में कोई ऐसी स्थिति जहां आग लगना या कोई ऐसा कुछ गलत हो जाना, मतलब मंगल से रिलेटेड जो भी कार्य, किसी का एक्सीडेंट वगैरह होना या अन्य कोई प्रकार की स्थिति साथ में, क्योंकि शुक्र है वो आपके लिए विशेषकर पुरुषों के लिए ये वाइफ के कारण है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के साथ शुक्र की युति होना, ये आपका अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा या फिर आपका किसी और स्त्री से अट्रैक्शन का भी संकेत देता है। और यहाँ पर जो लोग, बहुत कम जो लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने दो दो शादियाँ कर रखी हों, तो वहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है शुक्र मंगल की युति होने से। और आपका किसी और से पहले से अगर अट्रैक्शन है तो वो आपके घर पर आ सकती है और घर पर आकर बाद में आपके घर वालों को सबको पता लग जाएगा, तो विवाद हो नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। साथ में आप अपनी वाइफ के साथ अपने संबंध अच्छे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में ये मंगल यहाँ शुक्र के साथ है तो हम कह सकते हैं घर पर कोई ऐसी वस्तु लाना चाहेंगे आप जो आपके सुखों में वृद्धि करती हो, कोई भी आप अच्छी लग्जरी वस्तु खरीदना चाहेंगे तो उसको लेकर आपके और आपके घर वालों के बीच विवाद हो सकता है। तो मंगल का आपको देखना होगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो ये सारे रिजल्ट की संभावना कम ही रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल है, नीच का मंगल है तो अच्छा नहीं है, थोड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी पड़ेगी। अब यहाँ शुक्र, क्योंकि शुक्र रहेंगे 17 जुलाई तक और मंगल का जो यहाँ गोचर रहेगा 20 जुलाई तक रहेगा, तो 20 जुलाई तक आपको मंगल देखेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव को देखने से ये समय में मैरिड लाइफ को लेके और बिजनेस को लेके विशेषकर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। फिर ये 10th हाउस को भी देखेंगे, 10th हाउस को देखने से आपको अपने काम में फोकस नहीं रहेगा, ज़्यादातर आपका फोकस अपने घर से जुड़े हुए कार्यों पर ही रहेगा। और मंगल देखेंगे लाभ स्थान को भी, तो मंगल हालांकि लाभ स्थान को देखने से, यहाँ गुरु का गोचर है तो हम कह सकते हैं गुरु यहाँ पर आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे और धन संबंधी कार्यों में तो आपके वृद्धि होती ही रहेगी, धन को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन घर के झगड़े को लेकर विशेष सावधानी बरतें, या घर में कोई किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो, घर में कोई आग लगने जैसी स्थिति या कोई इलेक्ट्रिक आपका जो उपकरण है घर का उसमें कोई ना कोई विस्फोट होना, ऐसी स्थितियाँ रह सकती हैं। अब मंगल चेंज हो जाएंगे और मंगल का ये चेंज होगा 20 जुलाई से, 20 जुलाई से ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। अब पंचम भाव में आने के बाद आप अगर एक स्पोर्ट्समैन हैं तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, संतान के मामलों में या एजुकेशन के मामलों में बहुत ही शानदार यहाँ मंगल रहने वाले हैं। साथ में किसी से आपका कोई प्रेम संबंध है तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है और मंगल यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस देंगे, बहुत ज़्यादा माइंड को तेज़ कर देंगे, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छे प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। मंगल के पंचम भाव में होने से आप
सभी मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे निर्णय क्षमता हो। लेकिन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल जरूर रखें और अपने दिमाग को आप कंट्रोल में ही दौड़ाएं। अगर आप ज़्यादा काम में लेते हैं मंगल की इस पावर को तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। साथ में मंगल का पंचम भाव में होने से आप अगर एक इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जुआ सट्टा या फिर लॉटरी ऐसे काम करते हैं, तो सावधानी जरूर बरतें। हालांकि आपको लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहकर काम करें। अब मंगल के यहाँ आने के बाद मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर। तो हालांकि यहाँ आपको अकल्ट का अच्छा नॉलेज हो सकता है, मंगल आपको कोई ऐसा इस समय रिजल्ट दे सकते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आप पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी या टेरो कार्ड रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही रुचि ले सकते हैं। साथ में अगर आपका जॉब भी ऐसा है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गोपनीय रहना पड़ता है, आपके काम बहुत ज़्यादा गोपनीय है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब यहाँ मंगल देख रहे हैं तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत कम चांस बनता है और अपने ही घर को मंगल देखेंगे, इस वजह से यहाँ पर आपको एक्सीडेंट से बचा देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जरूर बनेंगे। तो सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी, फिर भी मंगल का एस्पेक्ट अष्टम भाव पर है तो किसी प्रकार की आपको कोई चोट लग सकती है, वाहन से एक्सीडेंट होना ही जरूरी नहीं है। इसके बाद मंगल यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे और ये गुरु को देखेंगे तो आपकी धन संबंधी इच्छाओं में वृद्धि करेंगे। साथ में आपके बड़े भाई से आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं, आपके मित्रों से आपको बहुत मदद मिलेगी, कोई आपका बहुत अच्छा मित्र हो उससे कोई मदद आपको मिल सकती है धन संबंधी, या आपको किसी से कोई सिफारिश करवानी हो तो उसमें भी आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अब मंगल यहाँ से देखेंगे बारहवें भाव को, तो बारहवें भाव को देखने से आप थोड़ा सा मैरिड लाइफ में यहाँ डिस्टर्बेंस महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी संतान की एजुकेशन के लिए कोई खर्चा करना पड़ सकता है, या आप कोई अपना क्रिएटिव स्किल, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं उसके लिए कुछ खर्चा कर सकते हैं। जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो अपने स्टूडियो में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो इनकी दृष्टि है मंगल की वो काफ़ी अच्छी रहेगी, आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे अपने कार्य करने में। साथ में मंगल का पंचम भाव में जो गोचर है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई क्रिएटिव वर्क आप कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर शुक्र के बारे में। शुक्र आपके सेकेंड हाउस के स्वामी हैं, तो शुक्र 17 जुलाई तक करक में रहने वाले हैं। 17 जुलाई तक की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, हालांकि घर के सुख में वृद्धि जरूर होगी, बट मंगल यहाँ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। तो ये जो स्थिति है आपके लिए, ये 17 जुलाई तक थोड़ा सावधान आपको रहना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर शुक्र के होने से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आपको कोई अच्छी यहाँ पर मदद मिल सकती है, आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होगी। साथ में शुक्र यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश होने की वजह से घर का आप यहाँ पर ज़्यादा ख्याल रखेंगे, घर पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, घर के लिए कोई खर्चा हो सकता है या आप अपनी वाइफ के लिए कोई खर्चा कर सकते हैं। साथ में आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा और शुक्र की दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी, तो 10th हाउस पर रहने से आप कोई ऐसा काम करते हैं, अगर जैसे कोई साज सज्जा का सामान बेचते हैं, कोई लग्जरी चीज़ें बेचते हैं या रेडीमेड आइटम बेचते हैं कपड़े से संबंधित या किसी अन्य वस्तु से संबंधित, तो आपको उसमें लाभ हो सकता है। कोई आप एक्टिंग वगैरह के फील्ड में हैं, कोई आप किसी अन्य ग्लैमर के फील्ड में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र के अगले गोचर की। देखिए शुक्र आएंगे 17 जुलाई से सिंह राशि में, तो 17 जुलाई से यहाँ भी आपको यहाँ पर, हालांकि 20 जुलाई से मंगल आएंगे तो 3 दिन के बाद यहाँ पर फिर से शुक्र मंगल की युति हो जाएगी। पर जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे, तो ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपको इस समय में अपने किसी प्रेमी से विवाह के चांसेस रह सकते हैं और मंगल शुक्र की युति पंचम भाव में निश्चित ही आपको किसी से कोई प्रेम संबंध है तो अच्छी सफलता दे सकती है। संतान के लिए भी ये अच्छी रहेगी, आपके धन में वृद्धि करने के लिए भी ये अच्छी रहेगी और एजुकेशन या कोई क्रिएटिव वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में आपके लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 17 जुलाई के बाद, लेकिन 17 जुलाई तक के पहले की जो स्थितियाँ वो इतनी अच्छी नहीं है।
तो यहाँ शुक्र आने के बाद ये लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान में आपके धन की वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और यहाँ क्योंकि गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं तो गुरु के ट्रांजिट होने की वजह से को यहाँ पर ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीय भाव के स्वामी बुध के बारे में। बुध का गोचर रहेगा 7 से 25 जुलाई तक मिथुन में। तो मिथुन में इनका गोचर, आपको कोई मैनेजमेंट से संबंधित कार्य हो, कोई कम्युनिकेशन या कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क हो, उसमें ज़्यादा फायदा करेगा। विशेषकर बुध आपको यहाँ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे कम्युनिकेशन में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सुधरेंगी। साथ में यहाँ बुध होने से इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम है, सोशल मीडिया या अन्य प्रकार का पत्रकारिता वगैरह का कोई काम है आपको, उसमें अच्छा करेंगे। आप कोई मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में कोई आप अन्य काम कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। साथ में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और यात्राएं काफ़ी कर सकते हैं। ये समय में बुध के यहाँ होने से बुध देखेंगे के 9th हाउस को, तो यात्रा काफ़ी हो सकती हैं, यात्राओं का समय के लिए ज़रूर रहेगा। और हायर एजुकेशन में भी इनके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद 25 जुलाई से ये चेंज हो जाएंगे, 25 जुलाई से इनके चेंज होने के बाद ये आ जाएंगे 4th हाउस में। तो 4th हाउस में आने के बाद आपको जॉब में अच्छी हेल्प करेंगे, घर के जो भी आपके कार्य हैं उनमें आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और घर के कार्यों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा 4th हाउस के स्वामी हैं और गोचर करेंगे शुरू में आपके 12वें स्थान में। तो 12वें स्थान में गोचर करने से थोड़ा शुरुआत में इस महीने के स्टार्टिंग में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है डिसीजन वगैरह लेने में। तो 2-3 दिन तक का जो समय है चंद्रमा का, उसमें थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। अब चंद्रमा का यहाँ से, क्योंकि ये 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं, तो आगे से आगे ये बढ़ते जाएंगे, और जब ये आपके मेष राशि में आ जाएंगे तब का समय आपको डिसीजन लेने में बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको 3 जुलाई के बाद कोई भी आपको डिसीजन लेना हो तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि पंचमेश हैं और गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में, तो सूर्य 16 जुलाई तक रहेंगे तृतीय भाव में। अब यहाँ आपको अच्छी मैनेजमेंट की स्किल देंगे, लीडरशिप पावर अच्छी देंगे, और आपका साहस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो साहस बढ़ा हुआ रहने की वजह से आप कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत हो, इम्यूनिटी की ज़रूरत जहाँ ज़्यादा हो, चाहे आप में कोई स्किल हो, चाहे आपका कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ को ताकत बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सूर्य बुध की यहाँ पर युति भी रहेगी, इस वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है, विशेषकर कम्युनिकेशन में, और आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, आप मेहनत कितनी भी कर लेंगे। साथ में ये सूर्य कोई ना कोई यात्रा को दिखाता है, कोई अपने भाई बहनों के साथ संबंध को दिखाता है एजुकेशन को लेकर, और अपनी अगर कोई आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड काम है तो उसके लिए कोई ट्रेवल हो सकती है। साथ में ये सूर्य छोटी छोटी यात्राओं को ज़्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पर। भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ा आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव रहेंगे, और थोड़ा बहुत ईगो भी आपको देखने को मिल सकता है आपके छोटे भाई बहनों में। अब सूर्य यहाँ से 9th हाउस को देखेंगे तो आप भाग्यशाली होंगे और भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। किसी भी काम में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, साथ में आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। इसके बाद देखिए सूर्य जाएंगे, सूर्य का गोचर चेंज होगा और 16 जुलाई के बाद आ जाएंगे 4th हाउस में। अब 4th हाउस में आया हुआ सूर्य ये घर के कार्यों में आपकी अच्छी मदद करेगा। अब सूर्य क्योंकि यहाँ से 10th हाउस को देखेगा, 10th हाउस को देखने से इस समय आपको जॉब में विशेष सफलता मिल सकती है। साथ में ये समय अगर आप प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन अपने बॉस से संबंध जरूर आप अच्छे रखें, अदरवाइज उनके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गुरु के बारे में बात करेंगे। तो गुरु का जो गोचर है, कुंभ में गुरु रहेंगे और गुरु देखिए रेट्रो रहेंगे, तो रेट्रो की स्थिति में थोड़े बहुत धन के जो भी रिलेटेड काम है उनमें थोड़ा बहुत आपको व्यवधान आ सकता है। अपनी एजुकेशन, संतान पक्ष, इन सब के मामले में आपको फिर से विचार कोई करना पड़ सकता है। साथ में कोई आपको फंसा हुआ कहीं पर धन है वो वापस मिल सकता है, दोस्तों की अच्छी सहायता मिल जाएगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं गुरु कोई भी खराब रिजल्ट आपको नहीं देने वाले, लेकिन जो रुके हुए कार्य हैं, जैसे धन से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ है, आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है, या आपको किसी को पैसे देने हैं बट
आपको काम नहीं बन पा रहा, तो अब आपका काम बनेगा। तो इस पीरियड में आप उन कार्यों पर फोकस करें जो पहले किसी वजह से अटक गए थे। अब यहाँ जो गुरु की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव पर पड़ने से ये कहीं ना कहीं आपको मेहनत अच्छी करवाएंगे। धन संबंधी कार्यों पर आपका फोकस ज़रूर रहेगा इस महीने में, और बहुत ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, तो मेहनत करना आपके लिए अच्छा ही है। फिर गुरु यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव को देखने से संतान के संबंध में अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। साथ में आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। आपने पहले अगर कोई प्लान किया था कुछ नया सीखने का, उस पर पुनः फोकस कर सकते हैं। यहाँ से गुरु देखेंगे सप्तम भाव को भी। तो सप्तम भाव को देखने से ये समय में आपके मैरिज की संभावना भी बनेगी। अगर मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। साथ में आपका किसी से कोई विवाद है, चाहे बिजनेस में हो चाहे आपके लाइफ पार्टनर से हो, उन सब स्थितियों में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब गुरु यहाँ पर रेट्रो हैं, तो हम कह सकते हैं जो दूर की यात्राएं हैं आपकी, फॉरेन ट्रेवल है या कोई अन्य प्रकार का कोई कार्य है, धार्मिक कार्य है, संतान से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसमें थोड़ी बहुत देरी की संभावना बनती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा बहुत धन को लेकर दिक्कत आ सकती है या कुछ खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। इस वजह से थोड़ी परेशानी में आप शुरू में पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान जरूर रहें। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की। शनि जो कि 10th हाउस के स्वामी हैं और शनि मकर में वक्री रहेंगे, तो ये समय में जिनको जॉब नहीं मिला है उनके लिए एक अच्छा अवसर है। हालांकि थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, आपके कुछ कार्य रुक सकते हैं, पर शनि यहाँ रेट्रो होने का मतलब है आपको पिछले कुछ कार्यों पर फोकस करना पड़ेगा। जब से शनि मकर में आए हैं तब से आपने कोई पहले काम स्टार्ट किया होगा जनवरी 2020 के बाद से, और या फिर आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी करी है, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो वो अब आ सकता है, पहले से अटका हुआ पड़ा है, तो आपको उसमें सफलता दिला सकते हैं। अब शनि यहाँ से क्योंकि ये 12वें भाव को देखेंगे, तो जॉब के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते थे बाहर भी जा सकते हैं, और जॉब में हालांकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। फिर ये 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस को देखने से आपका घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य आपका पेंडिंग था, उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है, तो इनकी दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें थोड़ी बहुत रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इनकी यहाँ से जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 7th हाउस पर। तो 7th हाउस पर पड़ने से आपका बिजनेस, अगर आपने कोई पहले शुरुआत की थी बट किसी वजह से बंद कर दिया बीच में, या आपको सही किसी से आपको हेल्प नहीं मिली, या आपके पार्टनर से आपको हेल्प नहीं मिली, या कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं हुई, तो अब आप उसमें विचार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो शनि यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, ऐसा नहीं है शनि आपको खराब रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ कार्य आपके ज़रूर डिले होंगे। तो इस महीने में क्योंकि शनि भी वक्री रहेंगे और गुरु भी वक्री रहेंगे, ऐसे स्थिति में आपको कुछ डिले का सामना अवश्य करना पड़ सकता है यहाँ पर विभिन्न कार्यों में, लेकिन इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो शनि की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं धन संबंधी मैटर में, जॉब संबंधी मैटर में, प्रमोशन वगैरह में थोड़ी देरी करवा सकती है। इसके अलावा आपको मैरिज वगैरह का कोई काम है, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, बट अब ऐसा समय आ गया शनि का कि जब वो अब आगे अगले हाउस में जाने वाले हैं बाद में, यानी लगभग ये अपना यहाँ पर जो पीरियड है 2.5 साल का वो पूरा करने ही वाले हैं, तो ऐसे स्थिति में अब यहाँ के परिणाम आपको सारे दे देंगे, तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे बढ़कर अब राहु और केतु के बारे में। तो राहु केतु के बारे में आपको पता ही है, राहु यहाँ पर जब तक हैं अपने धन को सुरक्षित रखें, धन को लेकर विशेष सावधानी बरतें, फैमिली के साथ अच्छे संबंध रखें, और नॉनवेज वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें, साथ में झूठ बोलना बंद कर दें, और आप धन को शॉर्टकट तरीके से कमाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अपनी वाणी को आप स्पष्ट रखें और किसी से कुछ गलत ना कहें, किसी के साथ गाली गलौच ना करें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे यहाँ पर राहु। राहु के यहाँ होने से अचानक धन लाभ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है,
और केतु के अष्टम भाव में होने की वजह से आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब में रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी हमेशा रुचि रहेगी ऐसे कार्यों में जो बहुत ज़्यादा सेक्रेट होंगे, और क्योंकि आपके ये केतु अष्टम में हैं तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके लग्नेश की राशि है, तो आप काफ़ी मिस्टीरियस होंगे इस साल, यानी जब तक केतु अष्टम में हैं। और आपका मन उन्हीं विषयों में लगेगा, जैसे कोई रिसर्च में, कोई बहुत गहरा विषय है जिसको आम लोग नहीं जानते हैं। साथ में केतु यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह करवा सकते हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह का सावधानी आपको रखनी ही होगी। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो में उन दिनों की बात करते हैं जो आपके लिए थोड़े परेशानी भरे रहने वाले हैं। जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे कन्या राशि में, तो 15 और 16 को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य से संबंधित, या कोई पहले का किसी के साथ कोई विवाद है प्रॉपर्टी संबंधी, या अन्य कोई प्रकार का आपका मसला है, किसी के साथ परेशानी हो सकती है। 15 और 16 को विशेष रूप से आपका डिसीजन जो है गलत जाएगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इन सब मामलों में सावधानी बरतें। जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक में, तो 19 और 20 को आपके लिए फिर से स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती, मानसिक रूप से परेशानी बढ़ सकती है और एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान आपको रखना होगा, धन का अचानक नुकसान ना हो इससे भी आपको बचना होगा। जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा मीन राशि में 28 और 29 को, तो इस दौरान आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। साथ में जो चंद्रमा है वो 1 और 2 को भी रहेंगे, तो 1 और 2 और 28 और 29 ये समय में थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें और अपने जो डिसीज़न आप लेना चाहते हैं वो कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। 1, 2 और 28, 29 को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो चंद्रमा है 12वें भाव में, तो नींद को लेकर दिक्कत हो सकती है, अपने रूटीन को लेकर दिक्कत हो सकती है और आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। तो कुछ ये दिन आपके लिए थे जिनमें आपको विशेष कोई परेशानी आ सकती है। अब देखिए, हमने इस वीडियो में लगभग सारी बातें कर ली हैं, तो फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको इस मंथ में विशेषकर जॉब, धन, संतान और अन्य कोई प्रॉपर्टी जैसे मैटर हैं उनमें अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा रुकावट के बाद। फिलहाल इतना ही।